अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद में थाना उत्तर के बाहर लगा ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर की आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान आग की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा फायर विकेट को और बिजली विभाग के लोगों को दी गई, लेकिन फायर विकेट की टीम काफ़ी लेट पहुंची। तब तक स्थानीय लोगों ने ही मिट्टी का प्रयोग कर आग पर काबू पाया। बाद में फायर विकेट की टीम भी वहां पहुंची, लेकिन थाने की बाउंड्री से सटे ट्रांसफार्मर जलता रहा और थाने के अंदर पुलिसकर्मी आराम फरमाते रहे। किसी ने यह प्रयास नहीं किया कि आग को जल्द बुझवाया जाए। देखिए हमारे संवाददाता सचिन यादव की यह रिपोर्ट। अमित जी, यहाँ पर ये अभी फॉल्ट हुआ, आग लगी थी, किस तरीके से आग लगी थी, क्या कारण है? सर, बहुत ऐसी आग लगी हुई है, आग इकट्ठा हुए, आग लगते हुए, और अभी जब देखा तो लाइट सेट डाउन करने के बाद में जब लाइट आई, जब हाइब्रिड वाले आए, जब लाइट हुई है, तो उससे पहले देखा गया था यहाँ पर हाथ से बुझा रहे थे, चम्मच से मिट्टी से चम्मच से बुझाई जा रही थी लाइट। कितनी देर से लग रही थी? करीबन आधा घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ। तो फायर ब्रिगेड कितनी बजे आई है? फायर ब्रिगेड ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट हुई। आग बुझ चुकी थी? हाँ, आग बुझ चुकी थी, बाद में और से बुझाई गई।